मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सरकार पर बोला। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया घबराए हुए घूम रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के सिवा और कुछ नहीं बचा। सिंधिया ने अपनी संपत्ति के बारे में कहा कि 300 साल पुरानी उनके परिवार की संपत्ति है, बच्चा बच्चा जानता है कि सिंधिया ने कैसे जमीन हड़पी, यहाँ तक कि कुत्ते की भी कब्र नहीं छोड़ी। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में कुछ नए महाराज हो गए। सिंधिया कह रहे हैं कि उनकी गलती क्या है कि वो राज परिवार में पैदा हुए, लेकिन एक पीढ़ी नहीं बची सिंधिया की जिसने गद्दारी नहीं की हो। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को गद्दार बताया और कहा कि सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी गद्दार रही है। आप जब ये विरासत में संपत्ति मिली, अगर खून पसीने से कमाई हुई होती तो किसानों को इतना बड़ा धोखा जो आपने दिया, किसान कर्ज माफी के ऋण को आप खा गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया खा गए, ये नहीं होता। बात इतनी है कि दोहरा मापदंड इस सरकार का है, शिवराज सरकार का है। एक तरफ खासगी ट्रस्ट को लेकर कल इंदौर में दो दिन पहले शिवराज सिंह जी ने कहा खासगी ट्रस्ट की एक भी संपत्ति को किसी प्रकार का कोई गबन नहीं होने दिया जाए। जैसा खासगी ट्रस्ट में शिकायत हुई थी वैसी ही शिकायत राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झाला ज्योतिराज सिंधिया के देवस्थान ट्रस्ट की थी कि इसकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए और इन संपत्तियों की भी जो बिक्री होती है, इनका दुरुपयोग होता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। शिवराज सिंह जी, आप मुख्यमंत्री हो या झान मजीरे बजा रहे, क्या कर रहे हैं? एक तरफ आपने खासगी ट्रस्ट को लेकर जो बयान दिया, दूसरी तरफ आपके सांसद ने जो शिकायत